जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट से पहले ही एसएससी ने जारी कर दिया है। बच्चों की धड़कनें तेज हो गई है, जितनी वैकेंसी एसएससी ने बताई है उतनी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। साथ ही बहुत बड़े बदलाव इस बार एसएससी जीडी में आप लोगों को देखने को मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, कुछ नई पोस्टें भी इस बार ऐड हुई है। साथ ही बच्चों बात करें, एग्जाम भी इतना जल्दी हो रहा, बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ भाई। साथ ही एज को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, एज में कितनी छूट मिलेगी। बिल्कुल बम्पर छूट आप लोगों को एज में मिल रही है भाई। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको स्टूडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। रोज शाम 7 बजे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से मिलने वाली है एसएससी जीडी की। अभी से अपने आपको डेडिकेटेड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एग्जाम से पूछे जाने वाले, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही आप लोगों को बताए जाएंगे। सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव इस बार एसएससी ने किया भाई, काफी बड़े बदलाव एसएससी ने कर दिए। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताने वाला हूं। कल से ही आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे 27 अक्टूबर से, और यहां पर आप 1 दिसंबर तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रही है वो 30 नवंबर रही है बच्चों। उसके साथ ही जनवरी में ही आप लोगों का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रही है भाई, जनवरी में ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इस बार आपकी रहने वाली है 24,369 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में वैकेंसी आ गई है भाई, इस बार सीआरपीएफ में वैकेंसी आ गई। अगर बात करें तो बीएसएफ में 10,497 वैकेंसी बीएसएफ में है। अभी आपको घबराना नहीं है, वैकेंसी बढ़ सकती है। सीजीएल का नोटिस देख लीजिएगा, 20,000 वैकेंसी आई थी लेकिन अभी 36,000 के लगभग हो गई है। वैकेंसी बाद में भी बढ़ाई जा सकती है, साफ साफ लिखा गया है कि इस वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी इसमें बढ़ सकती है, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। बच्चों बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने का, क्योंकि सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू ही आने वाला है, ये एसएससी के थ्रू ही आता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। अगर बात करें तो सीआईएसएफ में 100 ही वैकेंसी आई है भाई इस बार, वही सीआरपीएफ में 8,911 वैकेंसी आई है, एसएसबी में 1,284 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 1,613 वैकेंसी है, असम राइफल में आपके 1,697 वैकेंसी है और असम राइफल में 103 वैकेंसी, टोटल 24,205 वैकेंसी है। और यहां पर बच्चों इस बार एनसीबी में नारकोटिक्स विभाग में भी वैकेंसी आई है और टोटल 164 वैकेंसी और टोटल 24,369 वैकेंसी है भाई। उसके साथ ही एज को लेकर बहुत बड़ी और अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ गई भाई। देख लो, मिनिमम जो आपका एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल था, लेकिन यहां पर एक लाइन आप लोग देख लीजिएगा, हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया, मतलब जनरल के लिए तो वो 23 साल की एज थी वो 26 साल कर दी गई है। ओबीसी वाले कैंडिडेटों के 26 साल एज थी लेकिन 3 आप ऐड कर लीजिएगा, 29 साल हो चुकी है। और वही बात करें तो 28 साल एससी एसटी की थी तो उनकी भी 3 साल की एज में छूट यहां पर मिल चुकी है। उसके साथ ही सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया भाई, सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी भाई। इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया है और क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है, 100 से घटाकर 80 क्वेश्चन कर दिए। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, एनसीसी वाले भी यहां पर देख सकते हैं, साइड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल आप डेडिकेटेड हो जाइए भाई, डेडिकेटेड होके बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, काफी अच्छी वैकेंसी है। और इस बार आपका जो सपना है भर्ती होने का, ये देख लो भाई, 60 मिनट का समय मिलेगा भाई। कितने क्वेश्चन? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये 40 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वही जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा भाई। वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 ही क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का रहेगा। वही इंग्लिश हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का। अगर बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर आप देख लीजिएगा 160 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला है और 60 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा। बच्चों कट ऑफ बहुत कम रहेगी इस बार, नेगेटिव मार्किंग वही 0.50 आप लोगों की रहने वाली है भाई, 0.50 नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। पूरा नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाके आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और रोज शाम 7 बजे से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चल रही है एसएससी जीडी को लेकर, तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।